गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स कैफे स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेवन की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन क्वार्टरलेटर ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी ए बी बाईसे एंगल ए शो दैट ट्राइंगल ए बी सी ये अपर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी डी ये ऊपर नीचे के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी ये हमें प्रूफ को हम बताना है इफ़ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल तो इसका रिजल्ट तो यही आ गया कि अगर हम ट्राइंगल प्रूफ कर देते हैं कि ये कांग्रेंट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे ओके सो लेट स्टार्ट first write the given given is in quadrilateral this is the notation of quadrilateral in quadrilateral A C B D A B ab bisects angle a दैट इज uh, इस एंगल ए को बाई कर रही है तो हमने इसको कुछ यहाँ पे नेमिंग कर दी लेट दिस बी एंगल वन एंड दिस बी एंगल टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड हमें गिवन है ए सी सॉरी दिस नेमिंग इज ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी ए सी इज इक्वल टू ए डी ये हमें गिवन है टू प्रूव इज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल ए बी डी प्रूफ अब देखिए इन ट्राइंगल्स में हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास क्या क्या है हमारी ए सी और ए डी इक्वल है अगर हम चाहें तो इसकी एक सेपरेट फिगर भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे एज इट इज जैसे कि हमने थ्योरम्स में किया था अगर हम सेपरेट फिगर ड्रॉ करते हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है थोड़ा सा हमें अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को यहाँ पर बढ़ाना है हमें गिवन है ए सी एंड ए डी आर इक्वल दिस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ओके अब हम देख रहे हैं कि दोनों के पास ए बी है अब दोनों के पास सेम साइड हो तो ऑब्वियसली वो इक्वल होगी दिस वन इज़ कॉमन तो ये क्या बन रहा है हमारे पास देखिए साइड एंगल साइड। तो रूल हमारे पास आ गया अब उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी नेमिंग करनी है सबसे पहले है हमारे पास ए सी ए सी इज इक्वल टू ए डी ये क्वेश्चन में ही गिवन है हमें फिर हमारा क्या आया रूल में वन एंगल इक्वल टू एंगल टू दिस इज गिवन दिस इज ऑल्सो गिवन रीजन हमेशा मैंशन करने एंड थर्ड वन इज ए बी ए बी दोनों के पास है इट मीन्स कि ये हमारा कॉमन है तो हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास रूल मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख रही हूं ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको क्लियर रहे दिस इज एस ए एस सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी उसके बाद उसने हमें पूछा है कि वट यू थिंक अबाउट बी सी एंड बी डी ेंट दैट मीन्स की इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी बी सी टी हे प्रूफकम टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सेकेंड क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ क्वार्टिलेटल ए बी सी डी इज अ क्वार्टिलेटल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंगल डी ए बी दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू सी बी ए इसके इक्वल है प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी दिस ट्राइंगल इज कॉन्गर टू दिस वन ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी ये वाला जो हमारा एंगल है इक्वल टू एंगल बी ए सी इस एंगल के इक्वल देखिए फिगर हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं फिर से दिस फिगर इज गिवन A B C D. First, so, write the given given is in quadrilateral A B C D AD is equal to BC. And angle D A B is equal to angle C B A to prove three parts. First is triangle A B D is congruent to triangle B A C. Second part बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड थर्ड इज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी देखिये सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है हम वहाँ पर आ जाए हमें प्रूफ करने हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल बी ए सी हमने इनकी सेपरेट फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर ली एज इट इज ए सी से निकाल कर This is A B D. This is A B C. मैंने सिर्फ इस फिगर को ये ट्राइंगल जो हमारी रिक्वायरमेंट है ए बी सी डी ए बी सी वो वाली फिगर को मैंने यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया ओके okay, अब हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पे देख लें हमें क्या क्या दिया हुआ है हमें कहा है बी डी एंड ए सी क्वल सॉरी ये तो हमें टू प्रूफ करना था हमें है गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी ए डी दिस वन इक्वल टू दिस साइड एंगल डी ए बी एंगल डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी बी ए सी बी इक्वल है अब दोनों फिगर को हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है ए डी इक्वल है बी सी के ये गिवन है ये वाला एंगल इक्वल है दोनों के पास ए है दोनों के पास है हमारे पास अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास क्या चीज होगी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम यहां पे मैं फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ एक थर्ड फिगर भी मैं यहां पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं कुछ इस टाइप से आएगा ए बी डी जब इस फिगर को मैंने इसके ऊपर रखा तो हमारे पास ये वाली साइड बी सी इस ए डी को ओवरलैप करेगी बी सी ए डी को ओवरलैप करेगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इट मीन्स इसको यहां से पलट केस के इसके ऊपर रखा तो ए को किसने ओवरलैप किया बी ने डी को किसने ओवरलैप किया सी ने और इस बी को किसने ओवरलैप किया ए ने अब देखो ओवरलैपिंग मैंने उसके ऊपर लिख दी इट मीनस कि अब आपको ट्राइंगल के नेमिंग भी क्लियर हो रहे होंगे कि हमारे कैसे आए हैं ए बी डी लिया तो दूसरे का ट्राइंगल क्या है नेम क्या है ए पहले का हमने ए बी डी लिया तो दूसरे का क्या बनता है हमारे पास ऐसे बी ए सी नेमिंग क्लियर होगी हमारे पास कैसे आ गए ट्राइंगल की अब उसी के अकॉर्डिंग अब क्या आ रहा है ए बी के ऊपर कौन सी साइड आ रही है ब्लैक पैन वाली बी ए मैंने नोटेशन ब्लैक से लिखी है तो ये हमारे पास क्या हो गई कॉमन हो गई अब देखिए प्रूफ हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी डी एन ट्राइंगल बी ए सी आपको एक नोटेशन क्लियर हो जाएगी यहां से हमारे पास अब देखें क्या क्या है हमारी ये साइड इक्वल हो गई कॉमन ये वाली साइड इक्वल हो गई गिवन है और उनके बीच का एंगल तो क्या रूल हो गया ये साइड एंगल साइड तो so, सबसे पहले हम लिखें ए बी इज इक्वल टू ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है ब्लैक पेन वाली बी ए दिस इज कॉमन साइड नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है देन ये जो एंगल हमें गिवन है दिस इज एंगल इसका नाम हमारे पास क्या है डी ए बी डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दिस इज गिवन फिर हमारे पास क्या है ए डी इज इक्वल टू ए डी के इक्वल कौन है ब्लैक पेन में बी सी ए डी इज इक्वल टू बी सी दिस इज ऑल्सो गिवन तो ये रूल हमारे पास हो गया एस ए एस सो बाय एस एस कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए एंड इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बी डी और ए सी क्या हो जाएंगे इक्वल ओके सुधेयर फोर क्योंकि अब यहां पर भी हमें नजर आ रहा है रेड पेन में रेड uh, कलर में जो नेमिंग है बी डी और ब्लैक वाली क्या है ए सी बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एंगल्स हैं वो भी हमारे पास यहाँ से इक्वल हो जाएंगे कौन सा एंगल हमारा हमारा ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल फिगर में देखो ये वाला ये तो हमें गिवन था कि इक्वल है ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा अब ये एंगल का नेमिंग क्या आ रहा है मेरे पास रेड पेन से अगर मैं देखती हूँ तो ए बी डी ब्लैक से देखेंगे तो क्या बन गया बी ए सी सो रेड में जो नेमिंग है दैट इज ए बी डी इज इक्वल टू ब्लैक पेन वाला बी ए सी और रीजन हम क्या लिखेंगे यहां पे बाय सी पी सी टी this question is also complete now come to next question question number 3 question number 3 question number 3 is ए डी एंड बी सी आर इक्वल पर पेंडिकुलर्स ए डी एंड बी सी आर इक्वल पर पेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी ये दोनों पर पेंडिकुलर हमें गिवन है कि दोनों इक्वल हैं शो दैट सी डी बाईसेक्ट्स ए बी सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है ओके okay? तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि सी डी बाईसेक्ट्स ए बी इट मीन्स वी हैव टू प्रूफ ओ बी इज इक्वल टू ओ ए सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर दिस इज बी सी O A D First right given given is A D and BC दे आर प्रपेंडिकुलर ऑन ए बी हमें गिवन है दोनों परपेंडिकुलर है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी दिस इज इक्वल टू दिस वन साइड ये हमें गिवन है टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट सी डी बाईसेप ए बी इट मीस टू प्रूफल टू ओ बी हमें टू प्रूफ करना है proof. अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हम प्रूफ कर दें कि ये दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्गोरेंट हैं तो ये हो जाएगा अब इन दो ट्राइंगल्स के लिए देखिए दो चीजें तो हमारे पास है हमें ये नाइनटी डिग्री गिवन है ओके okay? हमें एक साइड भी इक्वल दी हुई है बट कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है अब अगर हम फिगर को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये ए बी लाइन सेगमेंट और ये सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इट मीन्स कि हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल अब अगर हम देखें तो क्या है एंगल एंगल साइड ए ए इस रूल से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एक रफ फिगर मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिए साइड में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं इसकी रफ फिगर दिस इज ओ ए पहले मैंने इसको बनाया फिर इसको बना रही हूं इसके ऊपर एज इट इज अब देखो ये वाली फिगर कैसी है हमारे पास दिस इज लाइक थोड़ा चलो इसको मैं नीचे करके बनाती हूँ ताकि और आपको क्लियर रहेगा कोई डाउट ना रहे और दोनों को सेपरेट हमने कर दिया सो दिस इज एंगल वन दिस इज एंगल टू बी सी ओ ए डी ये हमें गिवन है इक्वल तो जब हम इन इसको इसके ऊपर आएंगे तो ये फिगर हमारी कैसी हो जाएगी कुछ इस टाइप से ये बी यहां पर आ जाएगा ये ओ यहाँ चला जाएगा और ये सी यहाँ पर ओके तो ये हमारे पास अब नेमिंग देखो यहाँ पे जहां ओ है वहां पे हमारा एंगल है, ये एंगल वन और ये एंगल टू अब ये फाइनल फिगर ब्रेक करने के बाद मैंने यहां पे बना कर दी अब ऐसे ही हम लिखते जाएंगे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ट्राइंगल के हमने नाम दिए यहां पे। इन ट्राइंगल ओ ए डी तो दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग क्या है मेरे पास ओ बी सी क्या क्या है हमारे पास सबसे पहले ये दोनों का ये एंगल इक्वल है ओ ओ एंगल नेम क्या है वन टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फिर हमारे पास क्या है ये दोनों का 90 डिग्री का एंगल है जिस इसका नाम है ओ ए डी और इसका नाम क्या है ओ बी सी एंगल ओ ए डी वल टू एंगल ओ बी सी ईच नाइंटी डिग्री फिर हमारे पास यहां पे क्या है ए डी इज इक्वल टू बी सी ये हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी अब ये रूल हमारे पास यहां पे क्या बन गया एंगल एंगल साइड सबाए एस कॉन्गुर रूल ट्राइंगल ओ ए डी एस कांग्रेन ट्राइंगल ओ बी सी और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है इट मीन्स कि हमारा ओ ए मस्ट बी इक्वल टू ओ बी ये इसको पूरा ओवरलैप करेगा अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रखते हैं सो देयर फोर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी यही हमें प्रूफ करना था यहां पे हेंस सी डी ए बी डिस्कशन इज आल्सो कंप्लीट नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास क्या है इन दिस क्वेश्चन एल एंड एम डी स्टू एल एंड एम आर टू पार्लर लाइन्स इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पार्लर लाइन्स पी एंड क्यू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल सी डी ए सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम इसकी फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लें This is line L, this is line M. This is P, and this line is Q A B C D. So, what is given in this question? L and M L and M are two parallel lines intersected by intersected by other two parallel lines P and Q. What to prove is Triangle A B C. This one triangle is congruent to triangle C D A. Proof. सबसे पहले हमने यहां पे इनकी एक फिगर ड्रॉ कर दी दोनों की सेपरेट ए बी सी सी डी ए सिर्फ इनको आपस से ब्रेक कर दिया ताकि हमें क्लियर रहे अब हमें यहाँ पे जो ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं उनको हमने ले लिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए अब हमें क्या गिवन है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं इफ दीज टू आर पैरेलल इट मींस कि हमारी ये दोनों लाइंस क्या हैं ट्रांसवर्सल और हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये लाइन एल और एम पैरेलल है तो ये ए सी भी तो इनको कट कर रही है इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये ए सी भी तो कट कर रही है तो ये ए सी भी हमारी क्या बन गई ट्रांसवर्सल और इस ए सी के ये दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं पी के लाइंस के साथ भी और यहाँ पे भी सबसे पहले हम इनके साथ देख लें दिस एंगल एंड दिस एंगल दिस टू एंगल मस्ट बी इक्वल इनको कुछ नेम दे दिया ये एंगल हमारे पास क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस ट्रांसवर्सल ने ये एल और एम के साथ बनाई मैंने वो नेमिंग यहां पर भी साथ साथ की है दिस इज एंगल वन दिस इज एंगल टू सिमिलरली पी एंड क्यू आर पैरल अगेन ए सी ट्रांसवर्सल है तो इस ए सी ने पी और क्यू के साथ कौन से एंगल बना रही है दिस वन एंगल दिस वन एंगल लेट दिस बी थ्री एंड दिस बी फोर दिस एंगल इज थ्री एंड दिस एंगल इज फोर जब हम इसको ओवरलैप करेंगे बच्चे यहां तो ये नहीं कि ये पूरा इसको ओवरलैप करेगा नहीं ये एंगल टू और वन इक्वल है इट मीन्स कि ये फिगर मेरी रिप्लेस हो जाएगी कुछ इस तरह के जैसे अभी हमने एक और क्वेश्चन में मैंने आपको ब्लैक और रेड पेन एक ही फिगर पे ड्रॉ किया था ना सेम हम यहाँ पे करेंगे ए बी सी हमने यहाँ पे लिखा तो जब ये रिप्लेस होकर आएगी ना तो ए के ऊपर एंगल थ्री के इक्वल कौन है एंगल फोर तो इसका मतलब ए को कौन ओवरलैप करेगा सी बी और ये एंगल वन किसके इक्वल है इस एंगल टू के इक्वल है तो सी को कौन ओवरलैप करेगा ये वाला एंगल ए और अब जो बचा बी को किसने ओवरलैप किया डी ने तो यहां से भी हमें एंगल्स क्लियर हो जाते हैं नेमिंग भी क्लियर हो जाती है अब नेमिंग भी अगर आप देखना चाहो तो बहुत क्लियर हो जाएगी यहाँ पे ब्लैक पेन वाली हम पढ़ते हैं ए बी सी रेड पेन वाली वाली सेम ऑर्डर में सी डी ए यही हमें प्रूफ करनी है यहाँ पर तो अब हमारे पास दो एंगल्स तो हैं अब एक चीज क्या है ये एंगल हमें इक्वल हो गया हमारे पास जी एंगल हमारा इक्वल हो गया दोनों के पास एक चीज है कि ए सी के ऊपर कौन आ रही है ए सी के ऊपर कौन आ रही है रेड पेन वाली सी ए दिस इज कॉमन तो हमारे पास रूल क्या बन गया एंगल साइड एंगल सबसे पहले हम लिख रहे हैं एंगल थ्री एंगल थ्री हमारे पास किसके इक्वल है अगर चाहे आप ये वाली फिगर से देखें या यहां से देखें थ्री के इक्वल कौन है फोर थ्री के इक्वल कौन है फोर और ये हमारे पास क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फिर हमारे पास रूल बना था एंगल साइड एंगल तो अब हम किसको लेंगे साइड को AC साइड ए साइड ब्लैक पेन वाली AC. इसके ऊपर रेड पेन वाली कौन है इसी ऑर्डर में सी ए कॉमन फिर हमारे पास एंगल आता है टू ये एंगल ए जो यहां पर है एंगल सी टू है और ए कौन है वन तो हमारा एंगल टू एंड एंड एंगल इक्वल टू वन चाहिए इस फिगर से आप देख सकते हैं एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन एंगल टू इज इक्वल टू एंगल, टू एंगल, टू एंगल वन एंड दे आर अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑर्डर हम ये क्यों फॉलो करते हैं ताकि हमें रूल भी यहां से क्लियर रहे एस ए बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी हैं प्रूफ ओके तो इसके साथ ही फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे